पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन विश्नोई से हमारे संवाददाता तारा सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि हलके में कोई विकास नहीं हुआ, अगर जनता ने मौका दिया तो पंचकुला में विकास को बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन, जिन्होंने लंबा जीवन जो है राजनीति में बिताया। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पंचकुला से जो चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, चुनाव में क्या क्या मुद्दे जो है वो जनता में लेके जा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, इस बार जो विधानसभा चुनाव आए तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो सैकड़ों हैं। सबसे मेन मुद्दा बेरोजगारी का है और यहाँ का जो यूथ है आज बिल्कुल इतनी हाईली क्वालिफिकेशन लेके भी बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे। शहर की डेवलपमेंट का है, लॉ कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज का है। मुद्दे अगर मैं गिनाऊँ तो बहुत है हमारे पास और मैं एक या दो दिन में विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहा हूँ कि हमारी क्या विजन है पंचकुला को लेकर। तब आपको विस्तार से मालूम पड़ जाएगा कि हमारी क्या सोच है पंचकुला के बारे में और हम क्या करना चाहते हैं। तो जो बीजेपी के नेता हैं उनका ये कहना है कि जो उन्होंने पिछले साल में बहुत से काम किए हैं लेकिन जो अभी और काम करने बाकी हैं, तो क्या मानते हैं जो बीजेपी पूरी कारगर सिद्ध हो पाई है, जो उम्मीदें थी जनता की उन पर? नहीं, ये तो बिल्कुल तथ्यों से भरे बात कर रहे हैं आप। पंचकुला एक जमाना था जब चंडीगढ़ के लोग भी पंचकुला को प्रेफर करते थे। आज पंचकुला की हालत मोहाली से भी बदतर हो गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं खुद भी जाके फील्ड में। तो आपने एक सपना देखा था पंचकुला को पेरिस बनाने का, तो क्या इस बार पेरिस बनाने के लिए किन किन बातों को जो है आप जनता के मुद्दे जो हैं उनको लेके जाएंगे और क्या क्या नया जो इस बार चुनाव में लिखे हैं? मैंने अभी आपको बताया है, मैं विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहा हूँ, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब लिखा है। तो किस तरह से तैयारी की गई है, कुछ ऐसे अभी जनता में जो है आप संपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं जनता के बीच जो आप सुनने को? अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पोजीशन समस्याएं हैं जी, जैसे डंपिंग ग्राउंड की हो, अनाउंसमेंट की है, अंडरपास की है, बहुत समस्या, हर सेक्टर की अलग, हर गाँव की अलग प्रॉब्लम है। तो बीजेपी इस बार नारा दे रही है 75 पार का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर बीजेपी के? मुंगेरी लाल के सीन सपने देखने में कोई GST तो लगता नहीं, ना इनकम टैक्स लगता भाई। कांग्रेस कम से कम 65 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। तो इस बार जो है चुनाव में किससे जो है टक्कर मानते हैं, क्योंकि काफ़ी जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में उतरे हैं बीजेपी के और अन्य पार्टियों के। जो आपके सामने अगर 15 कैंडिडेट खड़े हैं या 20 खड़े हैं या 60 भी खड़े हों तो मुकाबला सबसे ही है, सबसे ही मानता हूँ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन, इनका कहना है कि बहुत से मुद्दे हैं पंचकुला के जिनको लेकर जो है वो जनता में जा रहे हैं और सरकार ने जो वायदे किए थे जनता से वो पूरे नहीं किए। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ तारा ठाकुर।